तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विंड पोलिनेशन। सो आज तक विंड पोलिनेशन को हमने क्या बोला था? एनिमोफिली। एनिमोफिली। आज तक क्या बोला था हमने? विंड, आज तक कह रहा हूँ, ईशा क्या बोला था विंड पोलिनेशन को? क्यों ईशा? सो अगर हम बात कर रहे हैं विंड पोलिनेशन, पोलिनेशन में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टर्स रहेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लोवर कैसा रहेगा। क्या यहाँ पे फ्लोवर स्मॉल रहेगा? क्या यहाँ पे फ्लोवर और कलर होना जरूरी है? क्या फ्लोवर को यहाँ पे कलर कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूरी नहीं जरूरी नहीं है, है। नो ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर, क्योंकि कलर की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ेगी? इंसेप्ट के केस में पड़ेगी, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये आपके क्या इनमें नेक्टर होता है? नो सर। मतलब नेक्टरलेस, ठीक है। और कैसे होते हैं ये आपके? इनकॉन्स्पिशियस। लार्ज इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब है क्या होगा? ये इनकॉन्स्पिशियस हो सकते हैं, मतलब नॉट क्लियरली विजिबल ऑल्सो। अब भाई विजिबिलिटी क्यों चाहिए? विजिबिलिटी तो हमें इंसेक्ट के लिए चाहिए, और यहाँ पे पोलिनेशन किससे होना है? विंड से होना है, तो विजिबिलिटी भी इतनी जरूरी फैक्टर नहीं बनी हुई है। सर। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एंथर के बारे में इनके, तो ईशा एंथर जो है मेल पार्ट है या फीमेल फ्लोवर का? सर एंथर यहाँ पे मेल क्या होगा? हाँ ठीक है, यहाँ पे एंथर क्या होगा? बेल एक्सपोज्ड होगा, ठीक है। अब ये बेल एक्सपोज है तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन इजिली क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन इजिली, ये पीजी मत लिख लेना आप लोग, आप लोगों को पोलन ग्रेन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा की हम बात करेंगे, तो इसका स्टिग्मा कैसा होगा? लार्ज होगा, और कैसा होगा? हेरी होगा एंड फैदरी होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फैदरी क्यों है, क्यों आस्था? सर क्यों ये देखो, अगर एक बात बताना, आप ये बात को बताएंगे सर आस्था, आस्था एक बात बताओ, यह मैंने एक नंबर वन पे एक चीज बना रहा हूँ, एक स्टिग्मा में इसका ऐसा बना रहा हूँ। अब ये बताओ कौन सा वाला ज्यादा एंथर को रिसीव कर सकता है, नंबर वन या नंबर टू? नंबर 1 नंबर वन ना, अगर जिसका स्टिग्मा जो है क्या है, तो और क्लियरली बनाए थे, ठीक है। स्टिग्मा की बात हो रही है, सो नंबर वन कर लेगा ना, क्योंकि ये फैदरी है, और नंबर टू नहीं कर पाएगा इतना अच्छा, ठीक है। नंबर टू क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें फैदर्स नहीं है। तो यहाँ पे स्टिग्मा कैसा रहेगा आपका? हेयरी एंड फैदरी, और इसका बेनिफिट क्या रहेगा? आपके ज्यादा पोलन ग्रेन को ये क्या कर सकता है? कैच कर सकता है, कैच ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं कैच दी एयर बॉर्न पोलन ग्रेन, एयर बॉर्न पोलन ग्रेन, क्लियर है। तो चलो, हमने यहाँ पे फ्लोवर का डिस्कशन करा, हमने यहाँ पे एंथर का डिस्कशन करा, हमने यहाँ पे स्टिग्मा का डिस्कशन करा, तो हम यहाँ पे पोलन ग्रेन का भी क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं, वरना ईशा बुरा मान जाएगी। ओके ईशा, पोलन ग्रेन इससे कैसे होंगे? स्मॉल होंगे या लार्ज होंगे? सर क्या पॉलन ग्रेन सर लार्ज गलत, स्मॉल। स्मॉल लाइट हाँ, क्या ईशा इसके कैसे होंगे पोलन ग्रेन, लाइट होंगे या डार्क होंगे? तुक्का लगाया ना। सर नो सर लाइट होंगे तभी तो उड़ेंगे तभी तो शायद और यहाँ पे मैंने लाइट आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइट और डार्क बोला, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए, अच्छी बात ये है, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे मतलब यहाँ पे किससे है, वेट से मेरा मतलब है, ठीक है। सर। अस्था ये कैसे होंगे, ड्राई होंगे या मोइस्ट होंगे? ड्राई। ड्राई ये स्टिकी होंगे या नॉन स्टिकी होंगे? स्टिकी, नॉन स्टिकी। अभी स्टिकी अरे स्टिकी देखो मैं बता क्योंकि रहा तभी तो हूँ। फायदा। हाँ सुन लो मेरी बात, एक मिनट। अगर स्टिकी की जरूरत क्यों पड़ेगी, स्टिकी की जरूरत पड़ेगी हमें इंसेक्ट के केस में, इंसेक्ट आए और उससे क्या हो, पोलन ग्रेन चिपक जाए और वो दूसरे फ्लोवर तक पहुंच जाए, क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमें विंड पोलिनेशन में पड़ेगी क्या? सर लेकिन इनको फैदर से अटैक करना पड़ेगा ना, जो ये फैदरी फैदरी है टेम्परेचर हाँ तो फैदरी से, उससे। एक बार सुनो, फैदरी है तो वो तो वैसे ड्राइव कर लेगा ना, उसमें स्टिकीनेस की क्या जरूरत है, वो तो उसके बीच में यस सर। जाएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नो सर। तो इसके थोड़े से एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, ये साउंड कहाँ से आ रही है? इसके एग्जांपल है ग्रासेस, शुगर केन और कोकोनट, ठीक है। कोकोनट, इसमें एक कोकोनट ये मान के चलो, कोकोनट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक लिख लिया आपने? यस और आप एक एग्जांपल और दे सकते हो यहाँ पे, वो है आपका कौन, पॉब, ये भी एग्जांपल है। चलो यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, ठीक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए ग्रासेस, शुगर केन, कोकोनट और आपका कौन पॉब, और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। इसका एक एग्जांपल आप लोग बैम्बू लिख लो। अब मैं ये पेज क्लियर कर रहा हूँ, कर दूँ? यस सर। अगला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वाटर पोलिनेशन, ठीक है, वाटर पढ़ लेते हैं। यस क्या बोलते हैं, सर। हाइड्रोफिली, वाटर पोलिनेशन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिली बोला जाता है। यस सर। हाइड्रो फिली, ठीक है। वहां पे हम सबसे पहले फ्लोवर देख लेंगे, इसका फ्लोवर कैसा रहेगा। यस फ्लोवर इसका स्मॉल रहेगा या लार्ज रहेगा? स्मॉल रहेगा। क्या कलर होना जरूरी है, फ्लोवर का कलर होना जरूरी है यहाँ पर, नो सर। मतलब कलरलेस। थर्ड पॉइंट आप लिखो, इन स्पीशीज। फोर्थ पॉइंट आप लिख लो, क्या ये सुगंधित होना जरूरी है, नो सर। क्या आस्था इसमें नेक्टर होना जरूरी है, मतलब ओके नेक्टरलेस। सो ये इसके फ्लावर की प्रॉपर्टीज हो गए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टिग्मा की। सो इसका स्टिग्मा कैसा होता है, इसका स्टिग्मा होता है लॉन्ग स्टिकी और कैसा होता है, स्टिकी, ठीक। यस सर। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हम लोग यहाँ बात करते हैं पोलन ग्रेन की। सो पोलन ग्रेन में आपको क्या ध्यान रखना है, अभी ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर पोलिनेशन की बात कर रहे हैं। यस सर। वाटर पोलिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो पोलन ग्रेन जो है आपका, पोलन ग्रेन के ऊपर आपकी यहाँ पे क्या देखने मिलेगी, पोलन ग्रेन के ऊपर आपको कवरिंग देखने मिलेगी, और उस कवरिंग का नाम क्या रहेगा आपका, म्यूकिलेजिनियस कवरिंग, ठीक है। म्यूकिलेज की क्या होगी, कवरिंग होगी। और इसका बेनिफिट क्या होगा इस कवरिंग का, यह पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, वाटर वाटर ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वाटर वाटर एंड फ्रॉम बेटिंग, सर। ठीक है। अभी एग्जांपल हम लोग सारे एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे। हम बात करते हैं, सो अगर आपने को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा लिली के बारे में,
और आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा वाटर हाइसेंथ के बारे में। आज तक यहाँ पर पोलिनेशन कैसा हो रहा होगा इन दोनों में? क्रॉस वाटर पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन, कैसा पोलिनेशन? क्या पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन बोला आपने? वाटर पॉलिनेशन बस यहीं पर गलती करके आओगे, ध्यान रखना यहाँ पर वाटर पोलिनेशन नहीं होता इन दोनों में। ईशा कौन सा पोलिनेशन होता है इन दोनों में? सर विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन तो यहाँ पर कैसा पॉलिनेशन रहेगा? विंड पॉलिनेशन और कौन सा पॉलिनेशन? इंसेक्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। ठीक है, आज तक यस आप इनके नाम आपको लगेगा कि सर। ये लिली है, वाटर हाइसिंथ है, तो यहाँ वाटर पॉलिनेशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं ना इन फ्लावर्स की, जैसे आपका लिली हो गया, ये वाटर हाइसिंथ हो गया, ये आपने देखा होगा ये आपको कैसे दिखते हैं, ये सरफेस पे दिखते हैं ना, यस सर। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इमर्ज अबव द लेवल ऑफ, द लेवल ऑफ वॉटर एंड आर पोलिनेटेड बाय, एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड एज इन लैंड प्लांट। आपको कंफ्यूजन यहां पर? और सर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 2022 के लिए, क्लियर? और ये जहां से डिस्टरबेंस आ रहा है वहां से ये माइक ऑफ कर लो जहां से भी आ रहा है। अगर आपको लिली दे या फिर वाटर हाइसिंथ दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वो पहला ऑप्शन जहां तक आपको देगी वाटर वाटर पॉलिनेशन। इसके आगे बढ़े, यहाँ पे आपको एक और सीखना है, एक है आपका बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया, ठीक है? बेलिसनेरिया में क्या होता है समझो, मानो ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा वॉटर है, और यहाँ पे क्या है, ये बेलिसनेरिया का प्लांट है। बेलिसनेरिया का प्लांट की अगर हम बात करेंगे, जो इसका जो फीमेल वाला पार्ट होगा ये कहाँ होगा? सरफेस पर, ठीक है? फीमेल फ्लावर कहाँ पर होगा? यहाँ पर सरफेस पर रहेगा। हम यहाँ पर फ्लावर को बना लेते हैं, मान लो ये है, ठीक है? यहाँ पर ये क्या है? सरफेस पर है। और वहीं अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो मेल पार्ट होता है ये कहाँ होता है? अंडर वॉटर होता है, ठीक है? मेल पार्ट कहाँ पर है? अंडर वॉटर है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट क्या है? अंडर वॉटर है। और ये फीमेल वाला पार्ट कहाँ पर है? आउटसाइड द सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ईशा समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैंने क्या कहा, मेल वाला पार्ट कहाँ पर है? अंडर वॉटर। और फीमेल वाला कहाँ पर है? सरफेस ऑफ द वॉटर, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ये क्या अगर दिखा रहा हूँ, ये पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये वॉटर के साथ क्या होंगे, आगे बढ़ते 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 यहाँ पहुंच जाएंगे फीमेल फ्लावर पे। और इस तरह का पॉलिनेशन आपको कहाँ देखने मिलेगा? इस तरह का पॉलिनेशन आपको देखने मिलता है वेलिसनेरिया में। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस, रीच द सरफेस ऑफ वॉटर, ऑफ वॉटर बाय दी लॉन्ग स्टॉप, बाय दी लॉन्ग स्टॉप एंड पोलिन ग्रेन आर रिलीज्ड, एंड पोलिन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू दी सरफेस ऑफ वॉटर, सरफेस ऑफ वॉटर दे आर then carried passively by water current। ईशा समझ में आ गया? आस्था समझ में आया?
चलो ठीक, तो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेशन। सो इंसेक्ट से अगर हम अगर इंसेक्ट पोलिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसे, क्या टर्म यूज करते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए, क्या टर्म रहती है? एंटोमोफिली। सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फ्लावर को कैसा होना चाहिए? फ्लावर कैसा रहेगा यहाँ पर? ब्राइट लार्ज होना चाहिए। हाँ ठीक है, ब्राइट कलर होना चाहिए, या फिर मैं सीधा लिख सकता हूँ कलर्ड होना चाहिए। ओके, और कैसा होना चाहिए, क्या फ्रेगनेंस को प्रोड्यूस करना चाहिए उसे, क्या सेंटेड होना चाहिए? कलर्ड। ओके, क्या ईशा उसमें नेक्टर होना चाहिए? नो सर। अच्छा, इंसेक्ट के उसमें नेक्टर नहीं चाहिए। अच्छा इंसेक्ट से है। ओके, और यहाँ पे नेक्टर की बात होगी, फ्रेग्रेंस की बात होगी। सो इन सारे जैसे हमने फ्लावर्स की यहाँ पे बात करी है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है ये क्या करते हैं इंसेक्ट को नेक्टर प्रोवाइड कर। अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्टर हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर और इसके बारे में, तो थोड़ा सा पोलिन ग्रेन के बारे में भी समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर पोलिन ग्रेन है तो कैसा रहेगा? सो यहाँ पर जो पोलिन ग्रेन है वो कैसा रहेगा? स्टिकी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर पोलिन ग्रेन कैसा है? स्टिकी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टिग्मा की, तो यहाँ पर स्टिग्मा कैसी रहेगी? स्टिकी रहेगी। और यहाँ पे हम लोग नेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बार बार कह रहे हैं नेक्टर नेक्टर। सो नेक्टर और पोलिन ग्रेन ये दोनों क्या है? आपके रिवॉर्ड है। इसके लिए रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड इंसेक्ट्स इंसेक्ट के लिए। और ठीक है भाई, फ्री में कोई क्यों काम करेगा? क्यों, एनिमल्स का भी देखा है अपने फायदे के लिए तो काम करते हैं। तो यहाँ पे पोलिनेशन करेंगे तो अपने बेनिफिट के लिए कुछ तो बेनिफिट लेंगे, क्यों? यहाँ पर आप एक एग्जांपल याद रखना, अमोर्फो फैलस। अमोर्फो फैलस अगर हम बात करते हैं अमोर्फो फैलस की, सो ये क्या है आपका? ये है आपका एक फ्लोवर और टोलेस्ट फ्लोवर है। ठीक है, कैसा फ्लोवर है? टोलेस्ट फ्लोवर है। और इसकी हाइट गैस करना चाहोगी आस्था आप? सिक्स फीट। ठीक है, इसकी इतनी हाइट होती तो आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, हमने देखा किस टाइप के पोलिनेशन होते हैं, और ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। ठीक है, सो क्रॉस पोलिनेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ आपके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। सो अब हम क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। सो क्रॉस पोलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, पहले एडवांटेज को समझते हैं। सो क्रॉस पोलिनेशन का कोई एडवांटेज बताओ, ईशा आप बताओ। सर वो इवोल्यूशन। हाँ ठीक है, इवोल्यूशन। और कोई एडवांटेज? अब इवोल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हुआ होगा। क्यों?
क्या बताया आपने? तो स्ट्रॉन्ग आपकी साउंड क्लियर? प्रोड्यूस सॉरी तो ये डिजीज रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंस होंगे ना। और हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। सो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा आपका, एक तो डिजीज रेजिस्टेंट हो गए, और ये जो है आपके, अब इसके जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वे क्या करेंगे, एडेप्ट कर सकते हैं आपका न्यू एनवायरमेंट, ठीक है, एडेप्ट न्यू एनवायरमेंट इजीली। और यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वे कैसे रहेंगे, हेल्थियर रहेंगे, कैसे रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, और क्या करेंगे आपके, कैसे सीड प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या यील्ड अच्छी होगी, क्यों ईशा, यील्ड अच्छी होगी या नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है तो? यस सर, ठीक है। तो ये आप इसके एडवांटेज लिख लो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की, सो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, ये भी तो एक तरह का डिसएडवांटेज है। रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट, और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा आपका, इंसेक्ट हो सकता है आपका, विंड और वाटर। लेकिन हमें ऐसा, क्या हमें ऐसा सेल्फ पोलिनेशन में देखने के लिए, हमने सेल्फ पोलिनेशन में देखा कि ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट थी हमें? दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि दूसरा डिसएडवांटेज लिखो, समटाइम few undesirable character are also be developed, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो आप दो डिसएडवांटेज यहां पर लिख लो। अगली हेडिंग डालो आप इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी, सो क्या होता है इनकॉम्पैटिबिलिटी, चलो इसके बारे में लिखो। सेल्फ स्टेरिलिटी और इट इज द प्रोसेस, और इट इज द प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर when the stigma pollinated by pollen of the same flower, hence this condition referred to is incompatibility, ठीक है। ये आप लिख लो इसके बारे में।
ये आप माइक ऑफ कर लो जहां से भी ये साउंड आ रही है। ईशा अगर आपकी साइड से आ रही है तो आप ऑफ करो, आस्था अगर आपकी साइड से ये नॉइज आ रही है ठीक है तो आप माइक ऑफ कर लो। कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टाइप। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है तो अच्छी बात है, और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।